The best laptops under 40,000 rupees. देखो जो 40,000 का बजट है ना उसमें बढ़िया लैपटॉप्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। जो लैपटॉप के ऑप्शंस हैं वो इस बजट में काफी बढ़ जाते हैं। चाहे फिर 14 या फिर 15.6 इंचेस के स्क्रीन साइज में लैपटॉप चाहिए, इंटेल i3, i5 और Ryzen प्रोसेसर वाले लैपटॉप्स, लैपटॉप में बैकलिट कीबोर्ड, एक्सपेंडेबल एम एंड स्टोरेज वगैरह काफी चीजें ऐड हो जाती हैं इस बजट के लैपटॉप्स में। बेसिकली आपने अपने लैपटॉप पे किसी भी तरह का कोई भी प्रोफेशनल काम करना है वो आप मेरी लिस्ट के हर एक लैपटॉप में इजीली कर सकते हो। बस वीडियो पूरी देखो एंड आपको अपनी जरूरत के हिसाब से बेस्ट लैपटॉप पक्का मिल जाएगा। नाउ विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। Lenovo का लैपटॉप Lenovo IdeaPad Slim 3। तो सबसे पहले इस लैपटॉप के जो एडिशनल फीचर्स हैं उन्हें चेक करते हैं। ये जो लैपटॉप है ये रैपिड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। लैपटॉप की 80% बैटरी सिर्फ एक घंटे के अंदर चार्ज हो जाती है। उसके बाद इसमें प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया फॉर बेटर सिक्योरिटी, फिंगरप्रिंट सेंसर भी है इसमें एंड जो इसका कीबोर्ड है वो एक बैकलिट कीबोर्ड है एंड इस पे हमें पूरे 2 सालों की वारंटी मिलती है। एंड आफ्टर ऑल दिस लैपटॉप में 3 महीने का एक्सबॉक्स गेमिंग पास भी है। इन सिंपल वर्ड्स इसी बजट के शायद ही किसी दूसरे लैपटॉप में आपको इतने बढ़िया फीचर्स मिले। ये कॉम्पैक्ट साइज वाला लैपटॉप है। इसमें 14 इंचेस की फुल एचडी आईपीएस एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है विद 300 निट्स एंड इसका जो वेट है दैट इज ओनली 1400 ग्राम्स, जिससे ये एकदम ही लाइट वेट बन जाता है एंड इसे कहीं पे भी कैरी करना एकदम आसान है। देखो कॉम्पैक्ट साइज होने के कारण एकदम ही बिजनेस लैपटॉप वाली लुक मिलती है इसमें। इंटेल कोर i3 11th जनरेशन प्रोसेसर है लैपटॉप में, 1115G4। प्रोसेसर की सारी टेक्निकल डिटेल्स आपके सामने है। ये 6MB L3 कैश मेमोरी के साथ आता है प्रोसेसर। लैपटॉप में जो रैम एंड स्टोरेज है वो दोनों ही चीजें एक्सपेंडेबल मिलती है, लेकिन इसे थोड़ा ध्यान से देखो। 8GB की रैम प्री इंस्टॉल DDR4 3200 MHz वाली एंड इस 8GB की रैम में से 4GB रैम ऑनबोर्ड है एंड इसकी जो रैम है हम इसे 12GB तक टोटल एक्सपेंड कर सकते हैं। आफ्टर दैट लैपटॉप में 512GB की M.2 NVMe SSD है एंड इसमें 2.5 इंच स्लॉट भी दी गई है जिसे यूज करके इसकी स्टोरेज को एक्सपेंड किया जा सकता है। इंटेल USD ग्राफिक्स है लैपटॉप में। लैपटॉप में विंडोज 11 के साथ ही MS Office 2021 भी प्री इंस्टॉल दिया गया एंड ये दोनों ही चीजें हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलती है। ईथरनेट के अलावा बाकी सारी पोर्ट्स है लैपटॉप में एंड इसका जो बैटरी बैकअप है दैट इज अराउंड 6 आवर्स। तो मेरे हिसाब से एकदम वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है अंडर 40,000 रुपीस, 14 इंचेस की डिस्प्ले में, i3 11 जनरेशन प्रोसेसर एंड आफ्टर दैट इतने बढ़िया एडिशनल फीचर्स मिल रहे हैं, तो इसे आपने जरूर कंसीडर करना है। एंड एक और चीज है, देखो बिल्कुल ही डिट्टो स्पेसिफिकेशंस में सेम HP का लैपटॉप भी अवेलेबल है, HP 14S। बस इसकी जो स्टोरेज है वो 256GB की SSD है। बाकी दोनों ही लैपटॉप्स के जो मेन फीचर्स हैं वो कम्प्लीटली सेम है, लेकिन एक दो माइनर चीजों का फर्क जरूर है वो आपके सामने ऑलरेडी हाईलाइटेड है। देखो दोनों ही लैपटॉप्स के फीचर्स में अगर फर्क है तो फिर वहीं इनके प्राइसेस में भी फर्क आ जाता है। HP वाले का प्राइस 38,990 रुपीज है एंड वही Lenovo का प्राइस है 41,500 रुपीज। तो दोनों में से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी को भी चूज कर लो। दोनों के दोनों लैपटॉप्स एकदम ही बेस्ट ऑप्शंस हैं। लिंक आपको दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000 रुपीज इज HP 15S। गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये जो लैपटॉप है ये सबसे पहले तो Amazon चॉइस का लैपटॉप है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग लैपटॉप अंडर 40,000 रुपीज एंड इस लैपटॉप को मैं पर्सनली काफी देर से यूज कर रहा हूँ। मुझे इसमें 1% का भी कोई इशू नहीं मिला। फुल साइज डिस्प्ले में आता है लैपटॉप, 15.6 इंचेस की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 250 निट्स एंड 45% NTSC व्हिच इज क्वाइट गुड अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस। प्रोसेसर इसमें बिल्कुल ही सेम है जैसा Lenovo वाले लैपटॉप का था, इंटेल कोर i3 11 जनरेशन 1115G4। बाकी सारी प्रोसेसर की टेक्निकल डिटेल्स आपके सामने हैं। नाउ रैम एंड स्टोरेज पे थोड़ा फोकस करो। देखो टोटल रैम स्लॉट्स 2 है लैपटॉप में एंड 1 इज ऑक्युपाइड विद 8GB ऑफ रैम DDR4 3200 MHz वाली एंड इस लैपटॉप में हम टोटल 16GB तक की रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। सेम 512GB की SSD है लैपटॉप में, M.2 NVMe। लैपटॉप की स्टोरेज एक्सपेंडेबल तो है लेकिन एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं है इसमें, बस SSD को रिप्लेस करके इसकी स्टोरेज को एक्सपेंड किया जा सकता है। इंटेल USD ग्राफिक्स है लैपटॉप में, विंडोज 11 के साथ ही MS Office 2021 है एंड बोथ कम्स विद लाइफ टाइम वैलिडिटी। डुअल बैंड वाईफाई ब्लूटूथ वर्जन 5.0। लैपटॉप में फुल साइज कीबोर्ड है अलॉन्ग विद नम पैड, बिल्ट इन अलेक्सा को ये सपोर्ट करता है टू ऑपरेट विद योर वॉइस कमांड एंड दिस लैपटॉप ऑल्सो सपोर्ट्स फास्ट चार्जिंग। 50% बैटरी सिर्फ 40 मिनट्स में चार्ज हो जाती है लैपटॉप की। तो ऑल इन ऑल फुल साइज डिस्प्ले में एकदम वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है ये, इसे आपने जरूर कंसीडर करना है। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप। अगला लैपटॉप भी Lenovo का ही है, IdeaPad Slim 3, लेकिन ये फुल साइज डिस्प्ले वाला लैपटॉप है जैसा HP वाला अभी मैंने आपको बताया एंड इसमें भी जो एडिशनल फीचर्स हैं लाइक प्राइवेसी शटर कैमरा फॉर बेटर सिक्योरिटी, रैपिड फास्ट चार्जिंग को ये लैपटॉप भी सपोर्ट करता है, 80% बैटरी सिर्फ एक घंटे में चार्ज हो जाती है इसकी एंड ऊपर से इसमें भी हमें पूरे 2 सालों की वारंटी मिलती है।
होती है। ईथरनेट के अलावा बाकी सारी पोर्ट्स हैं इसमें विंडोज 11, एमएस ऑफिस 2021, बोथ प्री इंस्टॉल्ड विद लाइफ टाइम वैलिडिटी, 8GB की रैम, 512GB की SSD, टोटल में से 4GB रैम ऑन बोर्ड है एंड एक्सपैंड कर सकते हैं 12GB तक। स्टोरेज को हम 1TB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। प्रोसेसर इसमें इंटेल का है, इंटेल कोर i3 11 जनरेशन 1115G4। लेकिन जो डिस्प्ले है इसकी वो फुल साइज है, 15.6 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले एंटी ग्लेयर। तो फुल साइज डिस्प्ले में ये भी वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है अंडर 40,000 रुपीज, तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हो। इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला लैपटॉप है Redmi Book Pro। बहुत से यूजर्स की क्वेरी थी कि इस लैपटॉप को कंसीडर करना चाहिए या फिर नहीं, तो एकदम ही बढ़िया लैपटॉप है अंडर 40,000 रुपीज, जरूर जरूर कंसीडर करो इसे। इंटेल कोर i5 प्रोसेसर मिल जाता है हमें इसमें, i5 का भी 11 जनरेशन वाला 11300H। मतलब कि देखो, सबसे पहले तो हमें i5 प्रोसेसर मिल गया, आफ्टर दैट वो भी H सीरीज वाला। मतलब कि इसके अंदर जो हमें परफॉर्मेंस मिलने वाली है वो एकदम वन ऑफ द बेस्ट मिलेगी। रियली गाइस, आपको इस बजट में इंटेल प्रोसेसर में इससे बढ़िया लैपटॉप नहीं मिलने वाला। 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है ये, 8MP L3 कैशे मेमोरी। इसकी परफॉर्मेंस एकदम ही बढ़िया विदाउट एनी डाउट। ये फुल साइज डिस्प्ले वाला मॉडल है 15.6 इंचेस के डिस्प्ले लैपटॉप में, लेकिन इसकी जो रैम है दैट इज नॉट एक्सपेंडेबल। पहले तो हमें 8GB की रैम मिलती है DDR4 3200 MHz वाली, सेम जैसे बाकी सभी लैपटॉप्स में है, बट रैम को हम एक्सपेंड नहीं कर सकते। लेकिन स्टोरेज एक्सपेंडेबल है, 512GB की SSD है विच इज एक्सपेंडेबल। इंटेल आयरिस ग्राफिक्स है लैपटॉप में, प्री इंस्टॉल विंडोज 10, लेकिन विंडोज 11 की अपडेट हमें इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ऑफिस 2019 है विद लाइफ टाइम वैलिडिटी। बाकी सारी पोर्ट्स है लैपटॉप में, इसी के साथ ही ईथरनेट पोर्ट भी दी गई है, विच इज ऑल्सो ह्यूज प्लस पॉइंट फॉर सम यूजर्स। आफ्टर दैट लैपटॉप में फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है, 50% बैटरी सिर्फ 35 मिनट्स में चार्ज हो जाती है इसकी। सिंगल हैंड से भी हम इसे ओपन कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल आई वुड से कि जिसे भी एकदम तगड़ी परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप चाहिए अंडर 40,000 रुपीज, तो आप आंखें बंद करके इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जस्ट गो फॉर इट। नेक्स्ट बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000 रुपीज इज HP 15S। लैपटॉप का प्राइस अराउंड 38,000 रुपीज है। AMD Ryzen 3 प्रोसेसर है इसमें, 5300U 5th जनरेशन। एकदम ही बढ़िया प्रोसेसर है ये भी, 2.6 GHz बेस एंड 3.8 GHz मैक्सिमम क्लॉक स्पीड ऑफ दिस प्रोसेसर। 4 कोर्स 8 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है ये। टोटल रैम की 2 स्लॉट्स दी गई है इसमें भी। पहले तो हमें इसमें 8GB की रैम मिलती है 3200 MHz वाली, लेकिन दूसरी रैम स्लॉट को यूज करके 16GB तक हम इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। 512GB की M.2 NVMe SSD लैपटॉप में एंड स्टोरेज इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। तो बेसिकली रैम प्लस स्टोरेज बोथ आर एक्सपेंडेबल, टोटली फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, देखो कंपनी क्लेम करती है कि HP 15S में टोटल 9 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। टेस्टिंग के टाइम पे हमें इसमें अराउंड 6 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिला था ऑन नॉर्मल यूजेज, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। बिल्ट इन अलेक्सा दिया गया लैपटॉप में टू ऑपरेट विद योर वॉइस कमांड्स। फास्ट चार्जिंग की हेल्प से 50% बैटरी 40 मिनट्स में चार्ज हो जाती है इसकी। विंडोज 11 के साथ ही ऑफिस 2019 है विद लाइफ टाइम वैलिडिटी। अब एक चीज बताता हूँ कि देखो ये जो लैपटॉप है ये हमें दोनों स्क्रीन साइज में मिल जाता है, 14 इंचेस में भी एंड 15.6 इंचेस में भी। दोनों के बाकी सारे के सारे स्पेसिफिकेशंस कंप्लीटली सेम है एंड इन दोनों ही लैपटॉप्स के प्राइस में भी कोई फर्क नहीं है। दोनों ही लैपटॉप्स का प्राइस अराउंड 38,000 रुपीज है, तो ये चीज एकदम ही बेस्ट है। ये सेम लैपटॉप आपको दोनों स्क्रीन साइज में मिल जाता है, तो आपने अपनी पर्सनल प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इन दोनों में से किसी को भी बाय कर लेना है। ओके, सो या दीज आर द बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 40,000 रुपीज इन 2022। देखो Ryzen वाला बेस्ट ऑप्शन मैंने आपको अभी अभी बता दिया एंड Redmi Book Pro जो लैपटॉप है वो एकदम ही बेस्ट प्रोसेसर के साथ आता है। टाइगर लेक प्रोसेसर है उसके अंदर H सीरीज का, एकदम ही तगड़ा। एंड i3 11 जनरेशन में भी आपके पास सभी स्क्रीन साइजेस में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आपने सिर्फ एक चीज करनी है कि अपनी जरूरत के हिसाब से इनमें से किसी भी लैपटॉप को आपने बाय कर लेना है। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी तरह की तो उसे आप कमेंट कर दो। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। वीडियो अगर आपको बढ़िया लगी हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पीस आउट।